उठ गए थे हम लोग आज 5:30 बजे, सारा काम होने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं। हम लोग जा रहे हैं आज अटल टनल। मैंने तो खैर देखी है बहुत बार, बट यांगची ने नहीं देखी है, क्योंकि हम लोग दिसंबर में आते हैं तब वहाँ पे बर्फ के कारण बंद होता है, तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं, मतलब इस बार गर्मियों में, ताकि वो देख ले। बाकी अभी तो कोई ट्रैफिक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बारिश के कारण तो मतलब पूरा ठंडा मौसम हो रखा है यार। मुझे लगा शायद मेरे हेड पे ठंड लग गई है, बाल तो है नहीं, ठंड लगी मुझे लग रहा है, दर्द हो रही है। अभी धूप निकली तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पहाड़ों पे भी भाई बर्फ अच्छी खादी जमी हुई है। चलते हैं फिर और दिखाता हूँ तुम्हें नज़ारे। सामने देखो भाई क्या नज़ारा है यार, ओए होए जबरदस्त, देख रहे हो, तभी ठंड लग रही है। अब सीजन स्टार्ट हो गया है ना, भरा पड़ा है भाई पूरा। अभी जब मैं आया था 3 हफ्ते, आई थिंक 2 हफ्ते पहले, तो रश उतना नहीं था, अब तो भाई भरा पड़ा भंडार। जहां देख लो ये ट्रैक सूट ले लो, गर्म कपड़े, बर्फ में जा रहे हो, सी इतने सारे। सोलांग वैली आ गया, अभी तो खाली पड़ा हुआ है, पर थोड़ी देर में जब हम लोग तो वापस आएंगे तो भरा होगा। देखो सामने सोलांग वैली में है ये रोप वे एंड स्की सेंटर, वो ट्रॉली देख रहे हो जो आ रही हैं, वो सामने वो ऊपर जा रही हैं, वो वहाँ टॉप पे। ये भी जो ग्राउंड ओपन पड़ा है ना ठंड में, यहाँ भी अच्छी खासी एक्टिविटीज होती हैं। बाकी यहाँ पे पैराग्लाइडिंग पहले होती थी, अभी मुझे पता नहीं, सुबह का टाइम है ना, अभी लोग आए नहीं। ठंड लग रही थी मेरे को, मैंने पहन ली कैब भाई, सर्दी बचानी है। अभी हम लोग यहाँ रुके हैं सोलांग वैली में खाना खाने के लिए, मतलब कुछ चाय नाश्ता हो जाए, क्योंकि तो ऊपर टनल के पास तो कुछ है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ बहुत कम है। फिर मिलेगा आगे सिसु विलेज में, ये रहे यहाँ रुके हैं हम लोग, ये बैठे दोनों। ओ भाई सामने देख रहे हो कितना बड़ा पहाड़ है, और बर्फ देखो, बर्फ से ढका हुआ, बाय गॉड क्या लग रहा है यार, ये देखो कुछ भी यहाँ पे एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इतना सुंदर है। सी ये रोड और सामने देखो पहाड़ों वाली मैगी, अब पहाड़ में है तो मैगी तो बनती है, खा ही लेते हैं, आप भी खा लो। क्या ही व्यू है भाई सच में, यहाँ तो मैं जितनी मर्जी बार आ जाऊं फिर भी कम है, मन नहीं भरता। फैमिली के साथ आने का अपना अलग ही मजा होता है, जब मैं अकेला आता हूँ उसमें भी फन है, बट हाँ उस टाइम बस मैं चुपचाप रहना पड़ता है, सिर्फ बात करता हूँ आप लोगों से। अभी फैमिली भी है तो दोनों के साथ बात हो रही है, आपके साथ भी उनके साथ भी। वंस अगेन अटल टनल, सी मेरे पीछे दोबारा, बट विद फैमिली यांगचिन के साथ। फर्स्ट टाइम आइए यहाँ पे, ये पब्लिक देखो यार भरी पड़ी है, कितनी पब्लिक है भाई, और बैक साइड पर देखो वो माउंटेन। गर्मियों में सर्दियों का नजारा, ये टनल में एंट्री स्टार्ट हो गई, साउथ पोर्टल से एंट्री हुई है, स्टार्टिंग में थी 40 की स्पीड, अब 60 की स्पीड है। फर्स्ट टाइम आई है यांगचिन और साथ में ध्रुव, पहली बार। 9 किलोमीटर की टनल है, बट भाई बहुत जबरदस्त है यार ये सच में। पूछते हैं ध्रुव से, ध्रुव कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। अब पूछते हैं यांगचिन से कैसा लग रहा है, यांगचिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस एक्सपीरियंस। हम पहले जब मनाली आते थे हमारे सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था,
कि हमारे सामने हो रहा था काम अब बन गया, तो बहुत टाइम से इच्छा थी, बड़े टाइम बाद पूरी हुई है, अच्छा लग रहा, बहुत मजा आ रहा है। पहुंच गए हम टनल के दूसरे एंड पे, मतलब बोले तो नॉर्थ पोर्टल। कितना चेंज है यार, अभी पीछे आया दो हफ्ते पहले बर्फ, वो देखो ऊपर वाटरफॉल। ये रॉक्स देखो भाई, अलग से निकले पड़े, पता नहीं डिफरेंट से ही लग रहे हैं। वो सामने देखो यार, क्या वाटरफॉल लग रहा है, एक साथ दो दो, वाओ। और आप देखो व्यू सामने, कितना रिकॉर्ड करेगा बंदा भाई, एक के बाद एक व्यू है, एक के बाद एक। कोक्सर विलेज आ गया, अब यहां देखते हैं यहाँ क्या बढ़िया मिलेगा देखने को। वो देखो यार सामने क्या जबरदस्त लग रहा है ना, सी बर्फ तो है ही बट बादल देखो, अलग सा ही लग रहा है यार कुछ। हमारा अल्टीट्यूड है 10,300 फीट कोक्सर। मुझे डाउट है कि यहाँ पे कोक्सर लेक है कि नहीं, किसी ने बताया तो था, डाउट क्लियर करते हैं, कोक्सर लेक है तो देखते हैं, नहीं तो फिर वापस चलते हैं। बिकॉज ज़्यादा हाइट पर जाना बच्चे के साथ ठीक वैसे भी नहीं है यार, बिकॉज आगे बर्फ तो है, क्या कहते हैं ये मड़ी तक ओपन होगा रास्ता, और वहाँ पे बर्फ अच्छी खासी है, लेकिन साथ में बच्चा है ना इसलिए। यहाँ बढ़िया नज़ारे भी, वैली भी, व्यू भी, ऊपर से मेरी कैब भी। मुझे बताया था ना कि यहाँ पे लेक है कोक्सर लेक, कुछ भी नहीं है। अभी हमने लोकल से पूछा, कह रहे यहाँ पे नहीं है, आपको आगे जाना है तो जाओ, वहाँ सिर्फ बर्फ है। बर्फ तो देख देख के भाई पक गया, अब इन्हें कुछ और दिखा रहे थे, अब चलते सिसु। सिसु विलेज है और सिसु वाटरफॉल है, वहाँ चलते हैं, वो देख के आते हैं। ये देखो बीस रिवर रोड के साथ साथ ही जा रही है, बाय गॉड पानी का बहाव भी अच्छा है। कुछ भी कहो भाई, जन्नत है तो इधर है, सच में हेवन है तो हेवन है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई सच में। चारों तरफ आप देख लो खूबसूरती तो यहाँ भाई भर के है, लगता है भगवान ने यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ें दी हुई है कि लोग बार बार आते हैं, जैसा कि मैं या कोई और भी बंदा, बट हाँ फैमिली के साथ भी इस बार आके बहुत बढ़िया लग रहा है। अंदर बैठे हैं दोनों, मैं तो बाहर रिवर देखने आया था, नहीं बढ़िया लग रहा है दोनों तरफ इतने बड़े बड़े पहाड़ और बीच में ये रोड, ये देखो। और यहाँ करते हैं लोग खेती इधर, ये हम लोग सिसु विलेज के पास आने वाले हैं, और सामने देखो द्वार, थोड़ा फोटो वोटो खिंचवा लें यहाँ पे। ये देखो यार क्या जच रहा है,